स्मार्टफोन का फ्यूचर क्या है? क्या ये स्क्रीनलेस या इनविजिबल होने जा रहे हैं? ह्यूमन नाम की कंपनी इसी दिशा में यानी स्क्रीनलेस टेक पर काम कर रही है। इस कंपनी के फाउंडर इमरान चौधरी एप्पल में 22 साल नौकरी कर चुके हैं। वहाँ इनका काम डिवाइस डिजाइनिंग का था। इमरान ने कनाडा के वैंकूवर शहर में टेड टॉक शो में अपने प्रोडक्ट यानी फ्यूचर के स्मार्टफोन की एक झलक दिखाई। इमरान के शो में बोलना शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही उनकी हथेली पर एक नाम डिस्प्ले हुआ, ठीक वैसे ही जैसे आपके स्मार्टफोन पर कॉलर का नाम या नंबर नजर आता है। इमरान की हथेली पर उनकी पत्नी और कंपनी की को फाउंडर बेथनी नाम फ्लैश हो रहा था। नाम के साथ कॉल को रिसीव या कट करने के भी साइन दिख रहे थे। सब इमरान की हथेली पर था, फोन या स्क्रीन नदारद थे। इमरान ने थोड़ी देर पत्नी से बात भी की। अब आपको बताते हैं कि कैसे तैयारी डिवाइस को न्यूनतम से न्यूनतम यानी करीब करीब अदृश्य यानी इनविजिबल करने की ओर बढ़ने लगी है। दरअसल इमरान की हथेली पर कॉल आने का जो जिक्र हमने ऊपर किया वो उनकी जैकेट के पॉकेट में लगे एक छोटे से डिवाइस के जरिए आया था। कॉल डिवाइस पर आया और फिर उसमें लगे कैमरे से उनकी हथेली पर स्क्रीन जैसी इमेज बनी। डिवाइस का साइज छोटा होते जाने को आप इस तरह समझे, जब कंप्यूटर पहली बार आया था तो कितना भारी भरकम था, फिर उसका साइज और वजन घटता चला गया। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल आज तक से मटाया। प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही उन्हें 8000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।